31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड हो सकता है बेकार। इन दो तरीकों से करें चेक। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आदेश जारी कर कहा है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक अनिवार्य है। CBDT ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ITR फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना ही पड़ेगा। इसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। पैन आधार लिंक हुआ या नहीं, ऐसे करें चेक इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiafiling.gov.in के जरिए चेक करें। होम पेज पर ही आपको लिंक कार्ड हर टैब दिखेगी, इस पर क्लिक करें। नए खुले पेज पर आए लिंक आधार के ऑप्शन को क्लिक करने से पहले सभी जरूरी सूचनाएं इसमें भर लें। पैन नंबर के कॉलम में पैन और आधार के कॉलम में 12 डिजिट का नंबर डाल दें। यदि नंबर अटैच नहीं होगा तो अगला मैसेज खुलेगा जिसमें इसके लिंकिंग को लेकर पुष्टि होगी। यदि आपका पैन पहले से ही लिंक होगा तो वेबसाइट आपको लॉगिन करने के लिए कहेगी। SMS के जरिए लिंक करें। यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है। इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में SMS भेजना होगा। SMS के जरिए लिंक करें। यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है। इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में 5,67,678 और 56,161 नंबर पर SMS भेजना होगा। UIDPAN स्पेस 12 अंकों का आधार NMBR स्पेस 10 अंकों का पान टाइप कर 5,67,678 और 56,161 पर SMS भेजें। जिन लोगों की यह लिंकिंग पहले ही हो चुकी है उन्हें यह SMS आएगा। इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस में आधार संख्या XXXX पैन संख्या XXXX से पहले से ही लिंक है। हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया।